नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आज रविवार है और आज दिन होता है कालजयी कहानियों का। आज जो कहानी मैं लेकर आई हूँ उसे लिखा है बेबाक सच्चाइयों को कलमबद्ध करने वाले लेखक राज कमल चौधरी ने। जलते हुए मकान में कुछ लोग, ये कहानी एक दंत कथा पर आधारित है। एक राक्षस होता था महाभारत युग में। अपनी बीवी को जुए के दांव पर चढ़ाने वाले पांडव राजाओं ने उसके दोनों हाथ पत्थर की एक काली चट्टान के नीचे दबा दी थी। सिसरा की तरह अथवा क्षत्रियों के शत्रु परशुराम की तरह वो राक्षस अब भी उस काली चट्टान के नीचे दोनों हाथ दबाए हुए कराहता हुआ अपने मुंह से आग और गलत अफवाहें उगल रहा है। समाज शास्त्र पढ़ाने वाले लोग कहते हैं कि सारा बाजार बिकने वाले सामानों से भरा पड़ा है। कविताओं की किताब से लेकर 1 करोड़ टन इकाइयों की शक्ति वाले हाइड्रोजन बम तक बिक रहे हैं, लेकिन हमारे पास खरीदने की शक्ति नहीं है। हमारे हाथ पत्थर के नीचे दबे हैं। उन्हें किस ताकत से ऊपर उठा लिया जाए? जो लोग बिल्लियों को अपना मसीहा बना रहे हैं, देसी बिल्लियों को, विलायती बिल्लियों को, उनसे मेरा एक सवाल है, जवाब मिलना चाहिए। आप सही जवाब नहीं देंगे तो मैं महाभारत के यक्ष की तरह आप लोगों को अपने साथ कुएं में खींच लूंगा। इस कुएं में शंख, सीपियां और उर्वशी अप्सराएं नहीं हैं, बल्कि अमृत घट इस कुएं से नहीं निकला था। इस कुएं में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हवा भी नहीं। सिर्फ मैं हूँ और बाकी सारा का सारा अंधेरा है। अंधेरा और खालीपन। सिर्फ मौत नहीं, बाकी सारा कुछ यहाँ है इस खालीपन में। गोल बाजार के एक किनारे विश्वनाथ पान वाले की दुकान के सामने अचानक से एक गाड़ी रुकी। एक नए मॉडल की स्टैंडर्ड 10 सफेद रंग की। पीछे की सीट पर बैठी हुई दोनों लड़कियां बहुत छोटी और बहुत परेशान दिख रही थी, लेकिन ड्राइवर ने बगल का दरवाजा खोला। लड़कियां बहुत संभल संभल कर उतरी। फ्रॉक और स्कार्फ वाली लड़की जरा झटका खाकर अपनी सहेली की बाहों में झुक गई। अचानक दोनों लड़कियां बहुत बड़ी हो गई, उन औरतों की तरह जो पति के दफ्तर चले जाने के बाद कपड़े बदल कर आईने के सामने अपने भारी भरकम शरीर को तंदुरुस्त करके किसी एक सहेली के साथ शहर चली आती हैं। बड़ी दुकानों में रुकती हैं, किसी अच्छे और शांत रेस्तरां में बैठकर कॉफ़ी या कभी कभी छिपकर बियर पीती हैं और इस मौसम के लिए खुदा को तस्लीम पेश करती हैं। इलाचंद जोशी ने हम लोगों को बताया है कि फ्रॉयड महाशय ने कई बातें गलत कही हैं। औरतें किस मौसम में दुनिया और सभ्यता के साथ क्या सुना करेंगी, ये फ्रॉयड को पता ही नहीं था। औरतों में लॉजिक काम नहीं देता है, तर्क सड़े आलूओं की तरह सड़ने लगते हैं। काम देती है तो दिव्य दृष्टि यानी कि इंट्यूशन, और ये दृष्टि लेखकों के सिवाय फरिश्तों और वैज्ञानिकों तक के पास नहीं होती है। लेखक के पास तो बस आंखें होती हैं और वो अंदर की चीजें देख लेता है। लेखक कितनी देर चुप रहेगा भला? आखिर वो लेखक क्यों है? क्या दाय है उसका? कवि कुंवर नारायण के नचिकेता ने हजारों साल बाद जो सवाल दोहराए हैं उनका जवाब कौन देगा? सभी चुप हैं। सभी विश्वनाथ के कटघरे के नीचे खड़े हैं और आदमकद शीशों में अपने पड़ोसियों के चेहरे देख रहे हैं। अपना चेहरा नहीं देखते क्योंकि इन लोगों के पास अपना कोई चेहरा ही नहीं है। फ्रॉक और आंखों पर नीले चश्मे वाली औरत का नाम है मिस आचारी, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, बस मिस आचारी। पहले नर्स थी, अब नर्स नहीं है। श्री कृष्णपुरी में अपना मकान बनाकर रहती हैं। पूरे 22 साल की उम्र एक मकान बनाने में बीत गई। अपनी कार नहीं है, लेकिन छोटा सा प्यारा मकान है जिसके पीछे के हिस्से में मिस आचारी ने मॉडल लगा रखा है। ये मकान और बाकी कोई सपना नहीं,
वो इतनी समझदार पहले भी थीं कि शादी की बात कभी उनके ख्याल में आई ही नहीं। स्टैंडर्ड 10 से उतरने के बाद अपने पांवों पर खड़ी होकर वो मिसेज गुलदस्ता से बोली, सुनो गुल, मैं तो भाई पहले पान खाऊंगी, रोज ऐसा ही होता है। मिसेज गुलदस्ता पान मंगवाती हैं और उनका ड्राइवर मग ही पान की मसालेदार तबक चढ़ी गिलोरियां लेकर आता है। आसपास से गुजरते हुए चंद और फैशन परस्त औरतों की निगाहें घूम घूम कर इन्हीं दो औरतों पर चिपकने लगती हैं। मिसेज गुलदस्ता साड़ी पहनती हैं, लेकिन पहनकर भी साड़ी नहीं पहनती हैं। पकी हुई देह की सांवली पीली रेखाएं उजागर नहीं हुई तो आखिर इतनी कीमती साड़ी पहन लेने का फायदा ही क्या। वो अपनी पुरानी सहेली मिस अचारी से कहती हैं, भाईचारी, तूने ग्लैमर वालों के हाँ वो ग्रे और पिंक की प्रिंट वाली वायल की साड़ी देखी है? एकदम लेटेस्ट आई है, चल देखेगी? मैं साड़ी नहीं पहनती, इट लुक्स सो सैड। साड़ी तुम पे फपती है, तुम पहना करो। मगर देखने में क्या हर्ज है, तुम देखो जाकर, मैं जरा शू एम्पोरियम से हो आती हूँ। कई दिनों से जाने की बात थी, मगर गुलदस्ता ने इसरार किया और आचारी मान गई। वो हर आदमी की हर बात मान जाती है। मिस्टर जायसवाल को किसी मिनिस्टर के पास कोई पैरवी करनी हो तो आचारी साथ चली जाएंगी, इनकार नहीं करेंगी, आपका हर कोई काम करवा देंगी। लोग कहते हैं वो समाज सेवी महिला हैं, दो एक सांस्कृतिक संस्थाओं की चेयरमैन भी हैं। मिसेस गुलदस्ता बैनर्जी और मिस आचारी की दोस्ती कैसे हुई, ये एक लंबी और सुनते सुनते दूसरी सुबह हो जाने वाली कहानी है। मिसेस गुलदस्ता बैनर्जी और मिस आचारी की दोस्ती कैसे हुई, ये एक लंबी और सुनते सुनते दूसरी सुबह हो जाने वाली कहानी है। मिसेस गुलदस्ता का असली नाम है मिसेस करुणा बैनर्जी। जुपिटर नर्सरी कंपनी के मालिक निखिल बाबू के परलोकगत बड़े भाई की विधवा हैं। अखिल बाबू मरने के वक्त सारा कारोबार और अपने बीवी बच्चों का भाग्य अपने छोटे भाई पर सौंप गए हैं। करुणा यानी कि गुलदस्ता अपने एकमात्र देवर बाबू के साथ ही रहती हैं। नर्सरी के मालिक की बीवी का नाम मिस आचारी ने बड़े प्यार से पहली ही बार मिलने पर मिसेस गुलदस्ता रख दिया था, क्योंकि करुणा थोड़ी मोटी थी गुलदस्ते की शक्ल में और भारी रंगों के लाल और नीले कपड़े पहनती थी। रंगों का, तीखे और तेज रंगों का उसे भारी शौक है। आंखों के सामने जो भी चीज आ जाए उसका नाम बदल डालने की बीमारी है मिस आचारी को। वो नाम बदल देती हैं, विलायती शराब की दुकान जगमोहन ब्रदर्स के मालिक की बीवी का नाम उन्होंने रखा है श्रीमती मधुशाला, और लोग चाहे नाराज ही क्यों ना हो जाएं, वो पटना अस्पताल के मेटर्निटी वार्ड को कोप भवन जरूर कहेंगी। जो कोई आदमी पहले उन्हें गंगा किनारे टहलने के लिए साथ ले जाता है, फिर एक दिन नाव की सैर का निमंत्रण भी दे देता है, उसे वो हर हालत में पंडुब्बा कहती हैं और ये कहकर यूं ही शर्माती रहती हैं। इस शर्माने की अदा और अदा की असलियत के बारे में साफ और सच लिखा जाए तो लोग मुझ पर मुकदमा चला देंगे। लोगों के पास इन दिनों सबसे बड़ी दो ताकतें हैं, कानून और अस्पताल। आप कानून से नहीं डरेंगे तो ये लोग जिनके पास ताकत है आपको बीमार करके, गरीब करके, पागल करके अस्पताल भेज देंगे। अस्पताल यानी कोप भवन। अपने पहले बच्चे के बाद मिसेस गुलदस्ता कभी कोप भवन नहीं गई। पति के मरने के पहले ही वो 4 महीनों के लिए दार्जिलिंग गई थी। एक परिचित डॉक्टर से मंजूरी लेकर उन्होंने ऑपरेशन करवा लिया था। ये काम अब आकर आसान हो गया है। ऑपरेशन न सही, आप लूप लगा सकती हैं, लेकिन पहले लूप सिस्टम था नहीं। ऑपरेशन में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, गुलदस्ता तकलीफ सह गई, पीठ दिखाकर ऑपरेशन टेबल से भागी नहीं। तो पहले ही बच्चे के बाद चीर फाड़ क्यों करवा बैठी गुलदस्ता भाई, और तूने क्यों करवाया है? मिस आचारी पान चबा रही थी, तभी उन्होंने गुलदस्ता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सामने के स्टॉल पर लगातार बच्चों के बाबा सूट, फ्रॉक, जुराबें, रिबन, राइफल कोट, नहाने के किट कतारों में टंगे हुए हैं। हर तरह के रंग, हर तरह के फैशन।
मिसेस गुलदस्ता का लड़का मास्टर संजीत बैनर्जी मसूरी में पढ़ता है, जूनियर में है। विंसेंट हिल स्कूल की अमेरिकी पढ़ाई में वो मस्त रहता है, छुट्टियों में भी घर नहीं आता। साल में एक बार गुलदस्ता वहाँ हो आती हैं अकेली, किसी होटल में कमरा लेकर रुकती हैं। पिछले साल मिस अचारी भी साथ हो गई थी, अच्छा खेल जमा था मसूरी क्लब में और हैप्पी वैली के बर्फानी रास्तों पर। बीटल कट बाल उगाए हुए एक जवान लड़का मिसेस गुलदस्ता की दाई बाह के करीब से गुजर गया तो वो मुस्कुराई, अपनी दोस्त से बोली, मसूरी की बर्फ तुम्हें याद है? हाय क्या बर्फ थी! पहले मुस्कुराना और बाद में हाय कहना। गुलदस्ता ने ये दोनों बातें मिस आचारी से सीखी हैं। मिस आचारी कथक की बनारसी शैली में नाचने वाली लड़कियों की तरह मुस्कुराती हैं। संगत करने वाला तबलची तत्कार बोलता है, नाचने वाली पांव और कमर के काम दिखाते हुए मुस्कुराती है, जैसे बिजली के लट्टुओं की दूधिया रोशनी की तरह मुस्कुराहट उसके जगमगाते चेहरे पर फिक्स्ड हो गई हो। चौगुन लय में तीन ताल की तत्कार चलती रहती है, ता थे 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 तत ता थे थे तत, और ठे का साथ दिया जाता है, धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा थे धा दिन थे तत दिन धा ता थे धान दिन दिन धा तत्ता तद्धा। तीन ताल की तत्कार चौगुन लय में, और इसके बाद शुरू की जाती है तिगुन लय में कहरवा ताल की तत्कार। नाचने वाली अपनी तालियों पर लय को दोहराती हुई ताल की मात्राएं गिनती हुई नाचने लगती है। मिसाचारी की मुस्कुराहटें थक गई हैं, फिक्स्ड हो गई हैं। हल्के लिपस्टिक से सुलगते हुए उनके होठों पर मुस्कुराहट जम गई है। ता थे थे तत ता थे थे तत ता थे 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 तत ता थे थे तत ठेका साथ दे रहा है, एक दाया और दूसरा बाया दोनों बजते हैं। दोनों बर्फानी हवा के झोंकों में संगीत में थिरकते हैं। धागे नते नक धिन धागे नती नतिन कधिन, एक दाया और दूसरा बाया, लेकिन दोनों का हक बराबर है। दोनों बजते हैं, संगीत की हवा में थिरकते हैं, ठेका बजता है और मिस आचारी की आंखों में मसूरी हिल की बर्फ पहाड़ों के पीछे डूबते हुए सूरज की किरणों में 84 रंग हो जाती हैं। शाम उतरने लगी है, ग्लैमर की दुनिया में औरतें बैठी हुई हैं और अपनी औरतों के पीछे मर्द खड़े हैं। भीड़ है, तमाशा हो रहा है। मिसेस गुलदस्ता जरा आगे झुककर अपनी साड़ी की पटरियां दुरुस्त करने लगी। एक और पटरियां थोड़ा ऊपर उठाई गई हैं। बम्बई की कॉस्ट्यूम फिल्मों के मुताबिक फैशन यही है, एक तरफ की पटरियां थोड़ी ऊंची रहें, साड़ी बांधी जाए सामने की तरफ नाभि से जरा सा नीचे और पीछे की तरफ जरा ऊपर, हिप लाइन को उजागर करने के लिए। मिसेस गुलदस्ता आम्रपाली डिजाइन की चोली पहनती हैं, लेकिन उनका जूड़ा बिल्कुल आधुनिक होता है, जिसके लिए जूड़े में प्लास्टिक की दो कटोरियां बांधनी पड़ती हैं। दो कटोरियां न हो तो जूड़े की सूरजमुखी बनेगी ही नहीं। और कटोरियों के बाद गुलदस्ता कहती हैं, हाय मेरे को संभाल भाईचारी, हम तो गए, बस चले ही गए। मिस आचारी चौंक पड़ती हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं होगा, बात सिर्फ इतनी सी है कि पंजाबी चाट वाले के स्टॉल पर आरडी बंसल की फिल्म मोरे मन मितवा का 4-सीटर पोस्टर टंगा है और पोस्टर में सीधे तन कर खड़ा है अभिनेता सुजीत कुमार, साफा बांधे हुए, तावीज पहने हुए, 5.5 हाथ की भोजपुरी लाठी कंधों में लगा गवई ठाठ में हंसता हुआ, और उसकी बगल में छोटी सी शर्माई हुई सी अभिनेत्री नाज कुमारी खड़ी है मदमाती हिरनी की तरह। मिसेस गुलदस्ता ये पोस्टर देखकर मोमबत्ती की तरफ पिघलने लगती हैं। हाय क्या शानदार पर्सनैलिटी है इस आदमी की, जैसे बड़ी से बड़ी दीवार को चूर चूर कर देगा। हु इज ही, कौन है ये आदमी? मिसेस गुलदस्ता ये सवाल पूछ ही नहीं सकी क्योंकि मिस आचारी ने उनकी बाह झटक कर नकली गुस्से की आवाज में कह दिया, स्टूपिड मत बनो गुलदस्ता, नो नो यहाँ नहीं, लोग क्या कहेंगे, चलो
ग्लेमर में चलते हैं। लौटते वक्त ड्राइवर से कह देंगे इस फिल्म की दो टिकटें ले आएगा। देश को पिछले 3000 वर्षों से परंपरा और पाणिनि की कामसूत्र और राजदंड से बंधी चिपकी हुई भारतीय संस्कृति की आवश्यकता है। हीरो हीरोइन के एक ऐसे फिल्मी जोड़े की जो मिसेस गुलदस्ता को अन एडल्ट असली घी से काढ़ कर निकाली गई लोक धुनों की लय पर बसाए गए प्यार का तमाशा दिखा सके। मैक्सिकन आर्ट यही है। बीट साहित्य, बीटलों के गाने, पिकासो, गोरकी, जैज संगीत और ऐसी सारी चीजें इसी प्यार से बनी हैं। लोक धुनों की लय पर बांधा गया प्यार एक बेहद बुरी सूरत में सतीश गुजराल के पास है, क्योंकि उसने अमृता शेरगिल के गांव की घूंघटदार औरतों को संस्कृत पाठ रटते हुए अल्पवयस्क ब्राह्मण बालकों को और अपने खेतों में क्यारियां बनाने के लिए एक सिलसिले में खड़े हलवाहों को मैक्सिकन आदिम आर्ट के काले और बदसूरत मुखौटे पहना दिए। लेकिन जेमिनी रॉय की बड़ी बड़ी काली घाट आंखों वाली तस्वीरें, लेकिन कीचड़ और कूड़े में उम्र बिताने वाले गोरकी के पात्र, पात्रों को मिसेस गुलदस्ता जैसी पात्रियों को फिल्म तीसरी कसम का हीरा मन और हीरा बाई चाहिए, और चाहिए पूर्वी शैली के जन्मदाता महेंद्र मिसर के लहरदार गीत हजार जान मरहे राम टिकुलिया तरके बिंदिया। लेकिन अंततः ये बात भी फैशन से रिश्ता रखती है, क्योंकि फैशन चांदी के लंबे झुमकों और चांदी के चौड़े बाजू बंदों का है। इस नए फैशन में गुलदस्ता का चेहरा ज्यादा लंबा और ज्यादा सलोना लगता है। लोग उनकी भारी भरकम डाइटिंग के बावजूद भरते जाते हुए शरीर को नजरअंदाज करके उनके सलोनेपन की जासूसी करने लगते हैं। थैंक यू भाईचारी, तुमने मुझे संभाल लिया, ये तो मेरी ड्यूटी थी। फिर भी इस बाजार में कोई बात नहीं गुल बेगम, कोई बात नहीं। लोग क्या कहते? कहते क्या, हंगामा खड़ा हो जाता है ना। हाँ जी, लोग तमाशा बना लेते। अच्छा, मिस आचारी एक बार फिर कत्थक वाली मुस्कुराहट में गिरफ्तार होकर शर्माई और ग्लैमर में घुस गईं। दोनों बाजुओं में दो मॉडल औरतें खड़ी हैं, टेलिन के प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए अपने ग्राहकों का स्वागत कर रही हैं। सफेद प्लास्टर की दो औरतें आचारी अंदर बैठे हुए खरीद फरोख्त करते हुए लोगों का मुआयना करने के लिए एक क्षण रुक जाती है। नहीं, कोई उसका परिचित नहीं है, न कोई मर्द न कोई औरत, सभी उसके लिए अजनबी हैं। मिसेस गुलदस्ता साड़ियों की कतारें देखने लगी। कहाँ है ग्रे और पिंक फूल पत्तों के प्रिंट की वो साड़ी, वायल वाली साड़ी? नहीं है, लेटेस्ट डिजाइन की वो साड़ी कहीं नहीं है। मिसेस गुलदस्ता एक खाली कुर्सी पर इसी तरह धम की आवाज के साथ बैठ गईं, जैसे अगले क्षण वो बेहोश हो जाएंगी। दुकान के मालिक सेठ चरणदास ने कहा, एक ही पीस आई थी सर, नारायण बाबू डिप्टी मिनिस्टर की लड़की ले गई, मगर फिर आएगा सर, इसी महीने आएगा। मिसेस गुलदस्ता कई बार चरणदास पर गुस्सा कर चुकी हैं कि वो साहब और मेम साहब दोनों को सर कहता है, मेम साहब को मैडम नहीं कहता। आज उन्हें गुस्सा नहीं आया, गुस्सा आया भी तो अपनी मूर्खता पर आया। आखिर उस दिन जब साड़ी देखी थी तो खरीद क्यों नहीं ली, पैसे उस दिन थे नहीं। निखिल मक्खी चूस आदमी है, बार बार पैसे नहीं देता, कहता है देखो करुणा जमाना बहुत बुरा आने वाला है, पैसे बचा कर रखने चाहिए। मुझे गलत मत समझो, मेरा क्या है, ये सारा कारोबार तो तुम्हारा ही है, लेकिन वायल की वो साड़ी, डिप्टी मिनिस्टर की लड़की वही साड़ी पहनकर अपने दोस्त के साथ शहर घूमने निकलेगी। दिस इज वेरी सैड, कितने दुख की बात है। मिसेस गुलदस्ता ने अपनी आंखें बंद कर ली और पत्थर की बुत बन गई। चेहरा सफेद से पीला और पीले से सफेद होने लगा। जेनेवा में 96 शांति प्रेमी राष्ट्रों की बैठक हुई। टोक्यो में अणु शस्त्रास्त्रों के विरोध में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन किया गया। इंडोनेशिया की प्रवक्ता श्रीमती उत्तमी सूर्यधर्मा ने कहा, विकासशील देशों में परमाणु शस्त्र आजादी के सुरक्षा के साधन हैं और साम्राज्यवादियों के शस्त्र और युद्ध नरसंहार के साधन। अमरीकी राष्ट्रपति जॉनसन ने संसद में 1956 का
सामाजिक सुरक्षा संशोधन बिल पारित कराया, जिसके अनुसार अमेरिका के 2 करोड़ वृद्ध नागरिकों के लिए सरकार की ओर से जीवन यापन, चिकित्सा और ऐशो आराम का प्रबंध किया जा सकेगा और अमेरिका की काली जातियों को सफेद जातियों के समान मतदान, शिक्षा, व्यवसाय के अधिकार दिए जाएंगे। थाई देश की सुंदरी कुमारी अप्सरा हंसकुल ने कियामी बीच फ्लोरिडा में की गई 56 देशों की स्त्री सौंदर्य प्रतियोगिता में इस वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त किया। अखबारों के अनुसार इस परंपरा का परिचय इस प्रकार है। उम्र 18 साल, कद 5 फुट 4 इंच, वजन 116 पाउंड, वक्ष 35 इंच, कमर 22 इंच और नितंब 35 इंच। 35, 22, 35 ही अप्सरा हंसकुल का असली परिचय है। मिसेस गुलदस्ता का परिचय है 46, 32 और 46 और इस परिचय पर उन्हें थोड़ा बहुत घमंड भी है, लेकिन मिस आचारी ने फिर भी एक हल्का सा मजाक ठोक ही दिया। तू क्यों फालतू एक साड़ी के लिए जी खराब करती है गुलरानी? कुल 51 इंच मोटी तो तेरी कमर है, इस पर जो चाहे साड़ी बांध ले, तुझे तो फिट आ ही जाएगी। गुलदस्ता नाराज हो गई, बोली कुछ नहीं। नाराज होने पर उनके नथुने फूल जाते हैं, मगर वो बोलती कुछ भी नहीं है। नाराजगी में बोलना मना है। अतएव मिसेस गुलदस्ता कुर्सी से उठ खड़ी हुई। मिस आचारी की ओर उन्होंने देखा तक नहीं। सेठ चरणदास से बोली, एक गिलास सादा पानी मंगवाइए सेठ साहब। और हैंडबैग से उन्होंने पीले रंग के 3 कैप्सूल निकाले। पानी के साथ एक एक कर तीनों टिकिया खा गई, मुंह पोछ लिया, सेठ साहब को नमस्ते करके दुकान से बाहर आ गई, चुपचाप अकेली सुर्ख होती हुई। जब तक मिसेस गुलदस्ता अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई और ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पर बैठ गया, मिस आचारी ग्लैमर के बरामदे में खड़ी होकर दोनों मॉडल लड़कियों को ही देख रही थी। मिसेस गुलदस्ता का गुस्सा तेज हो गया, बोली, गाड़ी बढ़ा लो, वो अभी जाएगी नहीं। स्टैंडर्ड 10 धचका खाकर जरा ऊपर उठी, फिर सीधी होकर सामने की चौड़ी सड़क पर चली गई। मिस आचारी प्लास्टर की दोनों लड़कियों के बीच में खड़ी मुस्कुराते हुए सोचने लगी कि अपने लिए एक स्टैंडर्ड 10 का इंतजाम करना चाहिए या नहीं। अंत में उन्होंने निर्णय लिया, चाहे मकान ही क्यों ना बेचना पड़ जाए, गाड़ी लेना जरूरी है। इंसानी जीवन के ये ऐसे कोने अतरे हैं जिधर कोई झांकना नहीं चाहता, पर एक दुनिया ये भी तो है जो यहीं कहीं हमारे आसपास पनपती है। ऐसी ही क्रूर बेबाक सच्चाइयों को सहजता से बयान करने वाले रचनाकार राजकमल चौधरी की जयंती कल ही बीती है। उन्होंने हिंदी में बोल्ड लेखन को एक नया मुकाम दिया और स्त्री पुरुष, स्त्री स्त्री संबंधों को एक नए अंदाज में देखा। राजकमल चौधरी हिंदी के सर्वाधिक चर्चित और बिंदास लेखक रहे हैं। उनकी कुछ रचनाएं इतनी बोल्ड थीं कि उन पर अपने जमाने में खूब विवाद हुआ। अपनी कृतियों में चौधरी ने महानगरीय जीवन की उस आधुनिकता के चित्र बखूबी खींचे हैं जिनमें सुख सुविधा, भोग विलास, इच्छा आकांक्षा की पूर्ति और लिप्सा आदि दिखती है। हिंदी और मैथिली साहित्य में राजकमल ने लगभग 8 उपन्यास, 250 कविताएं, 92 कहानियां, 55 निबंध और 3 नाटकों से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें मछली मरी हुई, नदी बहती थी, ताश के पत्तों का शहर, शहर था शहर नहीं था, अग्नि स्नान, 20 रानियों के बाइस्कोप, दे गाथा सुनो ब्रजनारी, एक अनार एक बीमार, आदि कथा आंदोलन, पाथर फूल, मछली जाल, सामुद्रिक एवं अन्य कहानियां, पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ, बंद कमरे में कब्रगाह, खरीद बिक्री, सांझक गाछ कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वर्गंधा, ऑडिट रिपोर्ट, विचित्र शव यात्रा के बाद, देह शुद्धि, बर्फ और सफेद कब्र पर एक फूल आदि शामिल हैं। कालजयी कहानियों की श्रृंखला में आज मैं सारिका पंकज आपके लिए लेकर आई स्त्री स्त्री संबंधों की बारीक संवेदना पर टिकी राजकमल चौधरी की लिखी कहानी जलते हुए मकान में कुछ लोग। ये कहानी पहली बार मई 1966 में नई कहानियां में छपी थी। अगले रविवार को एक बार फिर से मिलूंगी नई कालजयी कहानी के साथ, तब तक मेरा इंतजार करिएगा। अभी दीजिए अनुमति, नमस्कार।